बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मरियम फारूक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अब मैं जाने लगी हूँ स्कूल, तो नाश्ता कर लिया है तो मैंने कहा कि आज लस्सी पीते हैं। मम्मा ने खट्टी लस्सी बनाई थी। हाँ, और उसमें मैंने नमक किसके हिसाब से तेज डाला है, और ये अब पीने लगी है। थोड़ी सी इसने पी ली है, पी लो पी लो। इसका रिक्शा जो है वो भी आने वाला है, और ये जो है ये इसकी पानी की बोतल है, ठीक है। और हरम इसके साथ जाता है गली के वो नुक्कड़ तक, इसको छोड़ने जहाँ पे रिक्शा खड़ा होता है। जिसको लस्सी पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कोई लोग सुबह मीठी लस्सी पीते हैं, ठीक है, वो जरा ना सुस्ती पैदा कर देती है, इसलिए हम जरा कम ही बनाते हैं। और ये देखें, ये बनी पड़ी है, इसमें बर्फ भी है, और फारूक साहब इधर बैठे हैं, इधर देखें। बोलते कुछ नहीं है, ये अभी इनको सुस्ती पड़ी हुई है। ये देखें, बाल सारे सफेद हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये अल्लाह वालों की निशानी होती है। ये जनाब अभी तक सोए पड़े हैं, देखें इब्राहिम, ये जो है ना, ये जो इसके निशान है, ये वाले, ये इसको करंट लगा था 2 साल पहले, तो ये उस चीज के निशानात है। हरम, आप ऐसा करो, आप ही का बैग उठा लो, चलो बेटा। वालेकुम सलाम। आयतल कुर्सी और चार तीनों कुल पढ़ के बैठा करो। ओके, अल्लाह हाफिज। चले जी, आ जाए, चारपाई बिछाते हैं। अब वो बलिया दे, ऐसे बिछाते हैं। ये देखो जरा हरम के काम, ये पापड़ खा के गया तो ये यहीं पे फेंक गया, ठीक है। चले कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। हाँ ये चलो। पट्टी फ्राई पापड़ है। अरे एक दिन मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने कहा ये पट्टी जो है ना आपके पापड़ वो लेके आओ, तो ये इतना इन्होंने मेरा मजाक बनाया। मैंने कहा मुझे क्या पता इसका क्या नाम है। ये जो है ना, ये पट्टी फ्राई, इसमें बहुत ज्यादा मसाला होता है। एक ये येलो कलर का होता है, एक रेड कलर का। मम्मा को ये पसंद है। अभी शाम का टाइम है और मम्मा ने चारपाई बिछाई गया है। थोड़ी देर तक पापा भी आ जाएंगे, है ना मम्मा? हाँ, हाँ दूसरी वाली चारपाई बिछाऊंगी, जी। और फिर इंशाल्लाह पंखा वगैरह भी निकालेंगे। और ये मेरा एक अदद प्यारा प्यारा सा पौधा है, ये इसके माशाल्लाह माशाल्लाह डेली के जो है ना वो एक दो नए पत्ते निकलते हैं, जैसा कि ये निकला है, ठीक है, ये निकला है, अब ये निकल रहे हैं, ये भी निकला था। ये मेरे ख्याल में कल ना रात में क्या हुआ कि बिल्लियां आ गई। सोए हुए थे तकरीबन 12 सवा 12 का टाइम था, तो बिल्लियां आई हैं। दो बिल्लियां आपस में इतना उन्होंने लड़ाई की है ना, तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये तोड़ दिया। काफी लड़ाई दिखाएं की थी, कहाँ से मैंने तोड़ा है, जूता उठाया, यहाँ से मैंने तोड़ा है। मारा उसके, हाँ ये यहाँ से टूट गया। फिर मैंने जूता उठाया, मैंने जोर से ना वैसे ही मार दिया, वो दोनों भाग गए सीढ़ियों पे से, टप टप करती हुई ना वो भाग गए। मैंने कहा दफा हो गई, फिर ऊपर जाके किसी की छत पे रोना शुरू हो गया। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, तीनों कुल पढ़े, फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ये इस तरह रोए नहीं, अगर इनको कोई तकलीफ है बिल्लियों को, तो या अल्लाह पाक उनकी तकलीफ दूर कर दे और बाकियों के लिए भी तकलीफ ना बढ़ाए।